के लिए। मालेगांव कॉलेज ग्राउंड पर हम लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कॉलेज ग्राउंड पर मेरे पीछे मतलब यहाँ पर काम का चल रहा है। ये काम क्या चल रहा है? ये काम यहाँ पर कल एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने वाला है। वैसे तो पॉलिटिकल लीडरांस की जब सभाएं होती है तो बड़े बड़े लीडरों के हेलीपैड यहाँ पर हमने अक्सर उतरते देखा है, लेकिन आज तक कोई भी प्राइवेट हेलीपैड यानी के पर्सनल सरकार की सभाओं से योजनाओं से हटकर अगर कोई हेलीपैड यहाँ कल उतरने वाला है तो ये मालेगांव के इतिहास का पहला हेलीपैड होगा जो यहाँ पर एक प्राइवेट उतरेगा, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल सभाओं का जिससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये हेलीपैड यहाँ कल क्यों आने वाला है? कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मालेगांव शहर में एक आदिवासी समाज में रहने वाले एक गरीब आदिवासी की बेटी की शादी है और उसकी तमन्ना थी कि मेरी बेटी की शादी इस महाराष्ट्र भर के इतिहास में मतलब जो है तो दिखना चाहिए, सुनाई देना चाहिए कि एक गरीब आदिवासी की बेटी की शादी की बारात का दूल्हा हेलीकॉप्टर में आना चाहिए। ये तमन्नाएं उसकी थी और उसकी तमन्नाएं क्यों ना हो जब उसके पास 12 बलूतदार मित्र मंडल संस्थापक के संस्थापक बंधु काका बच्चा जैसे जिसके दोस्त हो, जिसके मित्र हो, जिसका ऐसा समाज सेवक दोस्त हो, तो वो अपने दोस्त से ऐसी उम्मीद तो रख सकता है कि उसकी बेटी की शादी की बारात हेलीकॉप्टर में आए। और इस उम्मीद को पूरा करते हुए उसी एक देवता के रूप में जिसको वो आदिवासी देखता है समझता है, उसने अपनी बात बंधु काका बच्चाओ के पास रखी कि मेरी ये तमन्ना है कि मेरी बेटी की बारात हेलीकॉप्टर में आए। और बंधु काका ने बिना सोचे समझे ये फैसला लिया कि अगर मेरी बेटी की शादी अलीशान हो सकती है तो मेरे दोस्त की बेटी की शादी भी इस महाराष्ट्र के इतिहास में रची जानी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए, दिखनी चाहिए। इसकी तमन्नाएं पूरी करते हुए बंधु काका बच्चा ने इस बारात का दूल्हा हेलीकॉप्टर में लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुक किया है जो कल मालेगांव शहर में इसी जगह पर लैंड करने वाला है। आइए हमारे साथ अभी बंधु काका बच्चा है कि उन्होंने ये चीजें क्यों की और ये आदिवासी समाज की, मैं समझता हूँ कि ये भारत के इतिहास में शायद मालेगांव में पहली बार होगा कि एक आदिवासी समुदाय के एक गरीब बच्ची की शादी में हेलीकॉप्टर से बारात आएंगी। बात करते हैं बंधु काका बच्चों से, कैसे आपको सर ये सुझाव कि हेलीकॉप्टर में बारात आनी चाहिए? पहली बात तो नमस्ते, पहली बात तो तुम्हारी मैं सुन रहा था, हेलीकॉप्टर कोई पहली बार नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त के दिमाग में जो हेलीकॉप्टर आने की बात सोची है तो इसका कारण यसगांव के जितने भी द्राक्ष बागायत किसान लोग है उनका ही दामाद और दूल्हा कोडवेल से हेलीकॉप्टर पे आए थे। क्या वो भी गरीब थे? नहीं, वो तो गरीब नहीं थे, मैंने कहा कि गरीब की बेटी का दूल्हा। यस यस, तो ये बात ऐसी है कि कैलाश पवार चंदनपुरी का आदिवासी मेरा दोस्त पिछले 30 सालों से है, हम साथ में जानता राजा मित्र मंडल के माध्यम से काम करते थे। तो पिछले 2 साल में मेरी बेटी की प्राजक्ता की शादी हुई, उस शादी में बहुत सारे लोगों ने सहभाग भी लिया, मैंने वहां से सामाजिक संदेश भी दिया, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, निसर्ग बचाओ ऐसा मैसेज भी दिया। ऐसे सब काम देखते कोरोना का दौर रहते हुए भी कम से कम 50,000 लोग उस शादी में आए और एक अच्छा नाम शादी के माध्यम से सामाजिक संदेश भी गया। तो वो 4-5 दिन मैं जात भेदभाव नहीं देखता, वो कैलाश पवार को मेरे जैसा, मेरे को जो सूट कोट था वही सूट कोट मेरा दोस्त आदिवासी कैलाश पवार को भी था, ऐसे 400 दोस्तों को सूट कोट थे। तो वो 5-6 दिन से बेटी की शादी में, मेरी प्राजक्ता की लड़की की शादी में मेहनत कर रहा था और शादी यशस्वी सबके कोऑपरेशन से, और 4-5 दिन जाने के बाद घर पे आया और मेरे को बोला काका अपनी ताईनी लगन तो बयान भारी हुई ना, मैंने अपनी ताईना लगन फार भारी हुई ना, मैंने पूरा जिल्ला में डंका बाजी गया मैंने। तो अशे जसे ताईना लगन है ना तीन एक अंडर ना तसे दुसरी अंडर न सुधा लग्न पाजे मैंने उसको हास्य से बोला कि अरे मेरे को एक ही लड़की है, दूसरी अंडर क्या है, दूसरा तो संभाजी है। वो बोला बस का काका, हाय मनी अंडर तुम्हें अंडर नहीं का मनी, हाय मनी अंडर तुम्हें अंडर नहीं का। अरे मैंने बोला उसको माफ कर, मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं, तेरी लड़की ये मेरी भी लड़की है, ऐसा मैंने उसको बोला। तो उसकी भी शादी धूमधाम से हो गई। तो वो बोला था कि मेरी भी इच्छा है कि अपनी ये लड़की की भी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। तो मैंने बोल दिया उसकी कि तू जो बोलेगा वैसी शादी हो जाएंगी, अभी तो 2 साल बाद शादी रहेंगी, तू अभी से क्या सोचता है? तो उसने बोला काका आज पावत अम्मा आदिवासी स्नान नवरदेव जवाई हाउ का हेलीकॉप्टर वर मना नहीं, मैंने
सगळा मोठा लोकसना कारखानदारसना आमदारसना खासदारसना मंत्रीसना याज लोकसना याज लोकना जवाई नवरदेव या येली कॅपिटल विमारवर जायत म्हणे आता आम्हा भी गरीबना नवरदेव येली कॅपिटलवर यावा तुना जवाई मना जवाई आदिवासीसना नवरदेव भी म्हणे तर अशी म्हणे इच्छा असे जसा येसगाववालासना जवाई वना द्राक्ष बागायत शेतकरीसना तसा आई गरीब ना आदिवासी ना भी जवाई आला पाहिजे अशी त्यांनी म्हणे मैंने उसको ना सोचे समझे बोल दिया था दो साल पहले कि तेरा जवाई क्या मेरा जवाई क्या तेरी तमन्ना है हेलीकॉप्टर पे लाने का अपन हेलीकॉप्टर पे लेके आएंगे ये तो पूरा करें। हाँ तो आज दो साल हो गए उसकी बेटी की शादी बन गई। चार महीने पहले आया काका ऐसा ऐसा हुआ तो मैंने बोला तो फिर वो चाहे पढ़ा लिखा नहीं फिर भी उसकी मुझे सूझबूझ की बहुत फक्र हुआ उसकी सूझबूझ पे। वो आया तो लड़की की शादी तैयार हो रही है काका तूने हेलीकॉप्टर का बोला है तेरे पास अभी पैसे है क्या नहीं तुरंत तारीख पकड़ो क्या लेट तारीख पकड़ो ये मेरे को पूछने आया दिवाली के दौर में। मैंने बोला अभी तो मत पकड़ एक मार्च एंडिंग तक होने दे कुछ बिल बिल निकले तो अपन शादी कर लेंगे। उस दोस्त ने मेरी इकोनॉमिकल को देखते चार महीने शादी लेट की आज वो तारीख आ गई उसको दिया हुआ जो लफ्ज था वो जुबान थी वो वचन था वो मैंने पूरा कर दिया हेलीकॉप्टर लगा क्या निवेदन लगाया इसका निवेदन क्या इसका निवेदन मतलब कैसे किया गया कहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा कहाँ से नवर पे बैठेगा कहाँ उतरेगा और शादी किस जगह होने वाली है। शादी वनी दिंडोरी से आराध्य दैवत जगदम्बा सप्तशृंगी माता का दर्शन करके वो दूल्हा दुल्हन यहाँ पे आने वाले थे लेकिन वहां पे वो गाड़ी पे जाके जो वनी दिंडोरी के बाजू में बगल में एक हेलीपैड है वहां से हेलीपैड आएगा इधर टेकअप लेगा और इधर मालेगांव में आप भी जहाँ पे अपन हेलीपैड बना रहे वहां पे वो उतरेगा। यहाँ से शादी यही से दूल्हा दुल्हन की बारात निकलेगी और ये नजदीकी गुलाब पगारे साहब का जो वो भी गरीबों के बहुत कदरदान है उन्होंने बहुत कम पैसे लेके उसको स्वप्नपरी लॉन्च में उन्होंने दिया है तो वहां पे उनकी शादी है। इस शादी के अवसर पर हम एक राष्ट्रीय एकात्मता अभी ईद मिलन हुआ कल तो इस भाव से ये नजर रखते हुए हम राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश देने वाले हैं। जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उसमें एक एक प्रतिनिधि लेके ओपन जीप में बिठा के उनको लेके जाएंगे दूल्हा और दुल्हन रथ में रहेंगे दूल्हों का तिरंगा का भारत माता का जो तिरंगा है वो उनका फेटा रहेगा और जो भी जितने भी अपने मुस्लिम भाई है हिंदू भाई है दलित भाई है आदिवासी भाई है धनगर भाई है जितने भी अपने दोस्तदारी है जितने भी सब अनेकता में एकता ये हिंदुस्तान की खासियत है तो अनेकता में एकता हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम दलित आदिवासी धनगर ऐसे जितने भी जाति धर्म के मेरे दोस्त है उनको उनका उनका कलर का फेटा पहना के एक राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश देते हुए हम ये शादी में जा रहे हैं और शादी कर रहे हैं। उसके अलावा और कोई निवेदन मतलब लगाया है हेलीकॉप्टर से कुछ वो तो नियोजन लगाए थे अपने महाराष्ट्र के आराध्य दैवत चंदनपुरी के खंडोबा महाराज वहां पे हम फूल बरसाने वाले थे वहां से निकल के अपने मस्जिद जामा मस्जिद और गणपति मंदिर पुल के पास का सांडवा पुल के पास पे वहीं पे फूल बरसाने वाले थे और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन उतरने वाले थे लेकिन रेखांश और आयुष वो बड़ी बात होती है ये खिला यहाँ से गलत जगह पे ठोक दिया तो भी सुबह से वो लोग मेहनत कर रहे हैं मिस हो गया तो वो हमने कैंसिल किया है सीधा वहां से आएगा यहाँ लैंड होगा लेकिन दिल में हमारे खंडोबा महाराज के लिए बहुत श्रद्धा है वैसी श्रद्धा मस्जिद के बारे में है वैसी श्रद्धा चर्च के बारे में सबके बारे में वही श्रद्धा वही प्यार वही मोहब्बत वही धार्मिक भावना है और वो हम राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश देते हुए करने वाले हैं यहाँ पे ओपन जीप से। ये तो हमारे साथ में बंडू काका बच्चा जिन्होंने पूरा बताया है कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर डिनोरी से उड़कर मालेगांव एमएजी कॉलेज पर आएगा और फिर यहाँ से दूल्हे की बारात उसको मंगल कार्यालय तक जाएंगी फिर उसके बाद दुल्हन को लेकर वापस हेलीकॉप्टर डिनोरी के लिए मतलब दुल्हन को भी हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम बंडू काका बच्चों ने अपनी ओर से एक दोस्त को दी हुई जवान को
पूरा करते हुए राष्ट्रीय एकात्म माता की पहचान बताते हुए हमारे देश की सभ्यता को कायम रखते हुए और गोर गरीब जनताओं को साथ लेकर चलकर एक सपनों का भारत बनाने के लिए, राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का भारत बनाने के लिए, अशफाक उल्ला खान और भगत सिंह के भारत के सपनों का संदेश देते हुए, सभी को साथ लेकर सभी जाति और सभी धर्म को एक समान करते हुए जो काम का यहाँ पर बंडू काका बच्चा सालों से बरसा बरस से करते आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा संदेश और मैसेज है। कल हम जब हेलीकॉप्टर में नवर देव आएगा, जब दूल्हा आएगा, तो हम उसको भी लाइव कवरेज